लाखों करोड़ों की लागत के बाद भी श्रद्धालुओं को नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं। मामला गोवर्धन बस स्टैंड का है, जहां करोड़ों से अधिक लगाते हुए भी बस स्टैंड का सौंदर्यकरण तो करा दिया, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जब हम बात जमीनी हकीकत की करें तो यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नया नहीं आता। बाहर से आने वाले श्रद्धालु पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं, उन्हें दुकान से पानी की बोतल या थैलियों का सहारा लेना पड़ता है। एक ओर तपती गर्मी जनता को दर्शाती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी ओर पानी की एक एक बूंद के लिए श्रद्धालु भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया की टीम ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया, यह बस स्टैंड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही सुंदर बनाया गया है, मगर सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। ना यहाँ पीने के लिए पानी है, ना श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की कोई भी सुविधा है। शौचालय बने हैं मगर उनके ताले लगे हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है क्या आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं या इन अदाओं से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। कहाँ से आए आप? आगरा से। जैसा कि यहाँ बस स्टैंड बना हुआ है करोड़ों की लागत से, यहाँ पानी की सुविधा के बारे में क्या कहेंगे आप? पानी तो है नहीं यहाँ पर, दूर दूर तक नहीं। तो यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? बहुत तो बिल्कुल कर रहा है, लैटरिन तक के लिए पानी खरीदना पड़ा था। तो पानी की दिक्कत है यहाँ पे और बिल्कुल। और आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है यहाँ? पानी की सफाई का मैं बहुत क्या हुआ बर्फ। जैसे कि आप शौचालय के लिए गए थे यहाँ पे, शौचालय क्या चालू है? नहीं, लॉक खुले हुए हैं। हाँ, तो यात्रियों को दिक्कत हो रही है? हाँ यार, दिक्कत हो ही रही है। और क्या दिक्कत है यहाँ पे? विशेष तौर से ये भी लैटरिन के पास प्रेस होने के लिए गए तो वहाँ ताला पड़ा, लैटरिन बिलैटरिन दोनों में पड़ा था, कोई था ही नहीं वहाँ। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये पानी पीने का भी नहीं जो है नहीं चल रहा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है।